कोरोना वायरस के चलते चौपट हुई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। खबरों की माने तो इस राहत पैकेज की घोषणा अगले सप्ताह तक की जा सकती है। मनी कंट्रोल ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से बताया कि वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली 12 लाख करोड़ रुपए की राशि के आधार पर ही इस राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि इस पैकेज के माध्यम से छोटे उद्योगों के साथ ही किसानों को भी राहत पहुंचाई जाए। रॉयटर्स की माने तो आगामी राहत पैकेज में उस तबके को राहत दी जा सकती है जो संकट की घड़ी में बेरोजगार हो गए हैं। टैक्स छूट और अन्य उपायों के जरिए छोटी और बड़ी कंपनियों को भी मदद करने पर विचार किया जा सकता है।